हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत जगह लेकर के आया हूं। मान्यता के अनुसार कि श्री राधा रानी का जन्म इसी जगह पर हुआ था। ये एक मथुरा का छोटा सा गांव है, इस गांव का नाम है रावल। मान्यता यह है कि राधा रानी का जन्म इसी गाँव में हुआ था, बाकी बरसाने में उनका पालन पोषण हुआ था, यानी कि वो यहाँ से बरसाना चले गए थे कंस के डर के मारे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो थे, वो भगवान श्री कृष्ण तो नंदगांव में शिफ्ट हो गए थे और राधा रानी जो है वो बरसाना में शिफ्ट हो गई थी। उसकी जो कहानी है वो हम आगे वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ था और इस स्थान का क्या महत्व है। दर्शन भी हम आपको कराएंगे मंदिर में अंदर। और मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ ना, इस जगह को राधा रानी का बगीचा बोलते हैं। यहाँ पर उनका झूला भी है जिसमें वो झूला करती थी। तो पूरा वीडियो देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना और लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो सबके पास में। तो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा स्थान हम आपको दिखाएंगे, पूरा मंदिर जो है वो हम दिखाएंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हमें आना कैसे है? हमें मथुरा के नए बस स्टैंड से या पुराने बस स्टैंड से ऑटो ले लेना है लक्ष्मी नगर तिराहे के लिए। याद रखना, लक्ष्मी नगर तिराहे के लिए, जो कि हाथरस और अलीगढ़ के लिए रोड जा रहा है ना, वहाँ के लिए आपको ऑटो ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये लक्ष्मी नगर तिराया है, सीधे रोड जा रहा है हाथरस अलीगढ़ के लिए, लेकिन हमें राइट साइड में मुड़ना है रावल गाँव जाने के लिए। तो जैसे ही हम राइट साइड में मुड़ेंगे तो एक सड़क जा रही है जो कि बलदेव महावन और सादाबाद के लिए ये सड़क जो है निकल जाती है। इसी सड़क पर हम आगे चलेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा आपको। और जैसे ही हम मंदिर के आसपास पहुँचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लक्ष्मी नगर तिराहे से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये। और यहाँ से थोड़ी सी आगे और चलेंगे ना तो एक माता चंद्रावली का भी यहाँ पर मंदिर है। उनके मंदिर के दर्शन और कहानी हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि दूर दूर से बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और फटाफट से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जाम में से निकल करके और आपको रावल गांव लेकर के चलेंगे। ये छोटा सा ही गांव है, ज़्यादा फेमस नहीं है। बाहर के जो लोग हैं उनको इस गाँव के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ के बारे में सब पता है। यहाँ की क्या मान्यताएँ हैं सब कुछ उनको पता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये गांव का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर एक बड़ा सा ये गेट बना हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राधा रानी का जन्म स्थल रावल, तो इसी गांव में उनका जन्म हुआ था। और देख सकते हैं आप भीड़ कितनी है, लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि राधा अष्टमी है। और आज के दिन काफ़ी भारी संख्या में आसपास के गाँव के लोग, ब्रज क्षेत्र के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी गांव के किनारे से यमुना मैया बह रही है, मतलब पहले गांव पड़ेगा फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे हम खेतों की तरफ, तो यमुना मैया जो है गांव के किनारे से ही बह रही है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो थोड़ा सा कीचड़ हो गया है इधर रास्ते पर, और ये रास्ता जो है अभी बन रहा है। राधा अष्टमी आ गई थी तो अभी काम रुक गया है। वैसे इस रास्ते की जो सड़क है ना, उनको पक्का किया जा रहा है, अच्छे से बनाया जा रहा है। तो यहाँ से हम जल्दी से निकलेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पहुंचने की, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। हम जितना लेट होंगे उतना हमें भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कैसे पहुंचना है। आप ऑटो ले सकते हैं, ऑटो वाला आपको जो है लक्ष्मी नगर तिराहे पर छोड़ देगा। वहाँ से आपको ऑटो ले लेना है और बोल देना है कि मुझे राधा रानी की जन्मस्थली रावल गाँव में जाना है, तो वो रोड पर छोड़ देगा। रोड से लगभग हमें 500 से 600 मीटर अंदर चलना पड़ेगा गांव में अंदर जाने के लिए। रोड से, इसी रोड से होकर के हमें जाना पड़ेगा जिससे हम अभी जा रहे हैं। तो यहां देख सकते हैं हम गांव के प्रवेश में पहुंच गए हैं, बिल्कुल हमने गांव में प्रवेश कर लिया है। और इसी रास्ते पर रमनलाल सोडा वाला एक स्कूल है, काफ़ी फेमस है इधर का, तो वो इसी गाँव में पड़ता है, गाँव के पहले पड़ेगा, मतलब गाँव के लुक्कड़ पर ही, गाँव में घुसते ही। तो ऐसे भी आप पहुंच सकते हैं, मैप पे लगा कर भी आप पहुंच सकते हैं, गूगल मैप पे आप लगाओगे ना तो आप आसानी से इधर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहला हमें काम ये करना पड़ेगा, यहाँ पे पहुंचने से पहले हमें अपनी गाड़ी को कहीं सुरक्षित जगह पर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इतनी भीड़ में गाड़ी गाँव के अंदर प्रवेश कर पाएगी,
क्योंकि भीड़ ज़्यादा है तो गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दे रहे होंगे, तो हम पहले गाड़ी को अपनी को पार्क करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ से अंदर चलेंगे और आपको पूरी कहानी बताएंगे कि किस प्रकार से राधा रानी का जन्म इस गांव में हुआ था और बरसाने में क्या है उनका, बरसाने में क्यों गई थी। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि वृंदावन में क्या है, तो सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहना, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी को कर देते हैं हम पार्क, और गाड़ी पार्क करने के बाद में हम यहाँ से आगे की यात्रा जो है पैदल करेंगे और साथ ही साथ आपको इस स्थान का महत्व और कहानी भी समझाते चलेंगे। तो गाड़ी हम लगा दे रहे हैं पहले, तो गाड़ी पार्क में लगाने के बाद में हम निकल लिए हैं गांव के अंदर और देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो कहानी की शुरुआत होती है राधा रानी की माता जी से, कीर्ति जी से। उनके कोई संतान नहीं थी, यमुना महारानी से डेली वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती थी कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए यमुना महारानी के किनारे पर। तो एक दिन वो प्रार्थना कर ही रही थी, प्रेयर कर ही रही थी, तो यमुना जी में बहते हुए कमल का फूल आया, सूर्य जैसी चमक उसके अंदर। तो उन्होंने जब उस फूल को देखा तो उसमें प्यारी सी राधा रानी थी, तो उन्होंने उनको उठा लिया और अपने साथ में अपने घर ले आई। तो ये आप समझ गए होंगे क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुई थी यमुना महारानी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो परिसर है, ये पूरा मंदिर का परिसर है, यहाँ पर प्रसाद का वितरण भी हो रहा है, भंडारे वगैरह भी यहाँ पर चले रहे हैं, और ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर है। इस मंदिर को ज़्यादा फेमस नहीं किया गया, पता नहीं क्यों, बरसाना ज़्यादा फेमस है, ये जगह कम फेमस है, लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं, बाहर के लोगों को यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस जगह के दर्शन करवाने चाहिए क्योंकि ये देखने लायक जगह है। मंदिर में भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ी मुश्किल से हम दर्शन आपको करवा पाएंगे। तो दोस्तों, कंस ने अपने जो राक्षस थे वो मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भेजने लगा जब वो पैदा हुए थे। राधा रानी के जन्म के 11 महीने बाद वो पैदा हुए थे मथुरा की जेल में, उनको गोकुल ले जाया गया था। गोकुल में कंस उनको मारने के लिए राक्षस भेजने लग गया था, इसलिए राधा रानी के पिताजी और कान्हा जी के पिताजी ने डिसाइड किया कि वो यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए वो बरसाना और नंदगांव चले गए। नंदगांव और बरसाना के जो मंदिर हैं वो आपने देखा होगा कि एक बड़े से पर्वत पर बने हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, राधा रानी के दर्शन कर लो पहले, उसके बाद में हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ बहुत हो रही है यार, लोग घुस घुस के जा रहे हैं अंदर। लोगों में नेक भी सबर नाम की चीज़ नहीं है कि कोई और भी दर्शन करेगा, इतना मतलब खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पास में खड़े हो जाते हैं, कोई देख ही नहीं पाए। तो फाइनली हमने दर्शन कराने की कोशिश करी है आपको अच्छे से, अगर नहीं करे हों तो हम किसी दिन और आएंगे आपको, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वजह से, और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं राधा रानी के बगीचे में। ये बगीचा जो है काफ़ी पुराना है और यहाँ पर आपको राधा रानी का झूला देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर वो झूला करती थी। और भी यहाँ पर एक अद्भुत पेड़ है, उस पेड़ को आप देख सकते हैं, दो पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं। मान्यता ये है कि एक राधा रानी है, एक श्री कृष्ण भगवान है, तो हम उस पेड़ के दर्शन भी आपको करवाएंगे, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो दोस्तों, इस प्रकार से राधा रानी जो है बरसाने में बस गई थी और श्री कृष्ण भगवान जो है वो नंदगांव में बस गए थे। वो पर्वत जो है उनको एक वरदान था कि उन पर्वतों पर कोई भी राक्षस नहीं जा सकता है, इस वजह से उन्होंने इतने ऊँचे पर्वत पर अपने घर बनाए थे। यहाँ देख सकते हैं, ये राधा रानी का झूला है, इसी पर राधा रानी झूला करती थी, देख सकते हैं आप सामने। तो ये अद्भुत नज़ारा है, आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट मार लेना। तो अब हम चलते हैं उस पेड़ की ओर, जिस पेड़ के बारे में हमने आपको बताया था कि राधा जी और कृष्ण भगवान जी हैं ये। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, मतलब कोई भी जगह नहीं छूट रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, पेड़ एक है लेकिन आपको दिख रहे होंगे तने दो हैं। आप अगर यहाँ पर आकर गौर से देखोगे ना, तो पेड़ के अंदर आपको फेस दिखेगा, फेस देख सकते हैं। यहाँ पर एक पेड़ है लेकिन एक पेड़ में दो लोग हैं, एक दो देख सकते हैं आप कि एक पेड़ से दो लोग निकल रहे हैं, राधा जी और कृष्ण भगवान दोनों।